आप देख रहे हैं जेड न्यूज डिजिटल मीडिया, जहां पर आपको मिलेंगी स्वतंत्र, निष्पक्ष और संपूर्ण खबरें। उत्तर प्रदेश के पर्यटन, संस्कृति, धर्मार्थ कार्य एवं प्रोटोकॉल राज्य मंत्री डॉक्टर नीलकंठ तिवारी ने बुधवार को अर्बन हॉट चौका घाट में इट राइट फूड फेस्टिवल का उद्घाटन किया। फूड फेस्टिवल में लगभग विभिन्न खाद्य पदार्थों के 30 स्टॉल लगाए गए हैं, जिसमें बनारसी स्वाद का रंग है व देश के विभिन्न अंचलों से आए हुए खाद्य पदार्थों के स्टॉल लगाए गए हैं। इस अवसर पर मंत्री डॉक्टर नीलकंठ तिवारी ने कहा कि आज़ादी के अमृत महोत्सव व श्री काशी विश्वनाथ धाम के लोकार्पण के अवसर पर 13 दिसंबर से 12 जनवरी तक विभिन्न कार्यक्रम संचालित हो रहा है। इट राइट फूड फेस्टिवल में वाराणसी ही नहीं, देश व प्रदेश के कई प्रमुख शहरों के व्यंजनों की जानकारी लोगों को मिलेगी। इसके साथ ही काशी आने वाले पर्यटकों को भी काशी के स्वाद को चखना व इसके संबंध में बताना इस फेस्टिवल का मुख्य उद्देश्य है। उन्होंने विशेष रूप से जोर देते हुए कहा कि इस फेस्टिवल में देश के विभिन्न स्थानों सहित काशी के प्रमुख व्यंजनों का स्वाद लोग चखेंगे। उन्होंने बताया कि बाजरे की खिचड़ी और बाजरे की रोटी, रागी की रोटी व बाजरा के अन्य उत्पाद व बेकरी उत्पादों में बाजरा का उपयोग मुख्य आकर्षण है। मेले में घरेलू विधियों के द्वारा मिलावट के पहचान के तरीके खाद्य सुरक्षा औषधि के द्वारा सरल तरीकों से तैयार किया गया है। देखिए, आज़ादी के अमृत महोत्सव और श्री विश्वनाथ धाम के लोकार्पण के उपलक्ष्य में 13 तारीख से लगातार, वैसे तो 1 तारीख से ही लगातार कार्यक्रम चल रहे हैं। यह कार्यक्रम 12 तक चलेंगे, 12 जनवरी तक। उसी क्रम में यह भी एक वाराणसी व्यंजनों को से लोगों को अवगत कराना, देश के विभिन्न कोनों के व्यंजनों से लोगों को अवगत कराना, जो यहाँ पर दर्शनार्थी, तीर्थयात्री या काशीवासी या जो भी पर्यटक आते हैं, उनको काशी का स्वाद चखाना, उनको बताना, यह भाव लेकर के यह कार्यक्रम विभाग द्वारा किया गया है। और इस कार्यक्रम में बनारस के, अभी मैंने भ्रमण किया, भ्रमण करने के बाद देखा, अलग अलग प्रकार के स्वाद के व्यंजन, अन्य भी प्रदेशों के, अन्य भी देश के कोने कोने के लोगों व्यंजन यहाँ पर इंस्टॉल किए गए हैं, इंस्टॉल के माध्यम से लोगों को उपलब्ध होंगे। आज की खबर में बस इतना ही। ऐसी खबरों को देखने के लिए जुड़े रहें जेड न्यूज डिजिटल मीडिया के साथ।